श्यामा बाबा, मालिक को ऑफिस में बहुत जरूरी काम था इसलिए जल्दी चले गए। मुझे गुड मॉर्निंग कहे बिना कल का डांस शो देखा था तुमने? हाँ, मैंने देखा था। मैंने नहीं देखा, मेरे घर में टीवी ही नहीं है। क्या हुआ ओबो चामा, आज तुम्हारा मूड इतना उतरा हुआ क्यों है? आज मेरा मूड बहुत खराब है। मैं अपने पापा को सुबह सुबह दही वाला गुड मॉर्निंग नहीं कह पाया इसलिए। ओहो, तो तुम इस बात से उदास हो चामा? बेकार के ड्रामे। ये मेरा ड्रामा नहीं है। पता है दही वाला गुड मॉर्निंग हमारी खानदानी प्रथा है। चामा, मेरे प्यारे पापा, गुड मॉर्निंग बेटा। तुम्हारा आज का दिन अच्छा जाए। आपका भी दिन बहुत अच्छा जाए पापा। जब भी मैं दिन की शुरुआत इस गुड मॉर्निंग प्रथा के साथ करता हूँ, मेरा पूरा दिन अच्छा रहता है और मूड भी। मैं ये प्रथा वथा नहीं मानता। ओ अच्छा, तुम ऐसा नहीं कर पाए इसलिए तुम्हारा मूड ऑफ है। हाँ। कोई बात नहीं चामा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तुम्हारे पापा कोई काम में बिजी होंगे, तुम अच्छे बच्चे हो ना? सामायो, तुम कितनी अच्छी तरह समझाती हो, बिल्कुल पापा की तरह। तुम भी मुझे गुड मॉर्निंग कह दो ना, जैसे पापा कहते हैं। मैं तुम्हारी पापा नहीं हूँ। इस छोटे से बच्चे के गाल तो खींच लो। लाड़ प्यार पापा के साथ करना। समय ने उसे बहुत जोर से मारा। उसकी हरकत ही ऐसी थी, उसे जोर से लगी होगी। बच्चों, आज मैं तुम्हारा मैथ्स का टेस्ट पेपर करेक्ट करके दे रहा हूँ। यमला जी। यमागुची। मुझे 80 मार्क्स। तुम्हें कितने मिले हैं? मुझे 95 मिले। जामा, तुम्हें कितने मिले? मुझे 20 मार्क्स मिले। I'm sorry, मुझे तुम्हें नहीं पूछना चाहिए था। मुझे 20 मार्क्स मिले। ये टेस्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जामा। हाँ, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लाइफ में पहली बार इतने अच्छे मार्क्स मिले। मैं अपने ये अच्छे वाले मार्क्स पापा को दिखाने जा रहा हूँ। मैं चला। जामा, क्लास खत्म नहीं हुई, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या पापा मेरे मार्क्स देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। पापा, अब कहाँ है पापा? देखो खुशखबरी। जामा, स्कूल से जल्दी आ गए। पापा, मुझे मेरे मैथ्स टेस्ट के मार्क्स मिल गए, आप देखेंगे। मालिक, चलिए, आप मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। मुझे पूरे 20 मार्क्स मिले। ये मीटिंग मेरे लिए बहुत जरूरी है। इस बार मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की थी, पूरा 1 घंटा। वो तो मेरी बात सुने बगैर ही यहाँ से चले गए। मुझे घर की टाइल समझकर इग्नोर कर दिया। पापा, मेरी बात तो सुनिए। जामा बाबा, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। जामा, ये क्या बचपना है, देख नहीं रहे मैं बिजी हूँ? ये देखिए पापा, आपके सामने मेरा टेस्ट पेपर है, उसमें मेरे मार्क्स भी है, देखिए। जामा, आपको बहुत पसीना आ रहा है पापा, मैं भी पोंछ देता हूँ। देखिए देखिए, मैं किससे पोंछ रहा हूँ, देखिए। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं परेशान हूँ? मुझे और तंग मत करो। ठीक है पापा, मैं अब आपको कभी तंग नहीं करूंगा, आपके काम के बीच कभी नहीं आऊंगा। क्या? मैं अब आपसे कभी बात नहीं करूंगा पापा, आपको दही वाली गुड मॉर्निंग भी नहीं कहूंगा। जामा पापा, मालिक ये देखिए, देखिए। 20 मार्क्स मेरा लाल। मुझे कभी इतने ज्यादा मार्क्स नहीं मिले, मेरे बेटे को 20 मिले। जामा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात?
मालिक, चामा बाबा स्कूल से जल्दी आपको यही बताने के लिए आए थे। वो आपको पेपर दिखा के खुश करना चाहते थे। मैंने ये क्या किया? काका, क्या हुआ? उठिए ना। चामा मेरी जान, मुझे माफ करना बेटा, अपने काम को लेकर मैं परेशान था। चले जाइए। कुछ साथ रुक दो, मुझे देखो, मैंने तुम्हारा टेस्ट पेपर देख लिया है बेटा। नहीं चाहिए मुझे ये पेपर। कल मैं पार्टी के साथ निकलेगा। तुम्हें पूरे 20 मार्क्स मिले हैं। पापा, मुझसे बात मत कीजिए, आप चले जाइए। मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको पता है अगर मैं कोई बात ठान लेता हूँ तो ठान लेता हूँ। जैसे मैंने पुडिंग छोड़ दी थी। मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। अब से मैं आपसे एक वर्ड भी बात नहीं करूँगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा। अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो मैं भी तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा, समझे तुम? मगर मालिक। काका चलिए। जी मालिक। पापा मेरी बात इतनी आसानी से कैसे मान गए? मालिक, मगर आपने चामा बाबा को मनाने की कोशिश क्यों नहीं की? काका आप फिक्र मत कीजिए, चामा जल्दी भूल जाएगा। देखना थोड़ी देर बाद वो भागकर मेरे पास आएगा। ओ मालिक, मैं तो डर गया था, आप तो बहुत दूर की सोचते हैं। हाँ तो बाप हूँ मैं उसका, उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। मैंने सारी बातें सुन ली। आप अपने बेटे को इतनी अच्छी तरह से भी नहीं जानते। ओ, आज का खाना तो लाजवाब लग रहा है। मालिक, ये सारी डिशेस चामा बाबा की फेवरेट है, हमने खास उनके लिए बनाई है। ओ अच्छा, चामा तो खुश हो जाएगा, हम सब उसे कितना प्यार करते हैं। कभी थोड़ा सा डांट दिया तो क्या हुआ, मैं चामा का प्यारा सा पापा हूँ। मुझे टॉयलेट पेपर चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है, अब तक तो इसका मूड ठीक हो जाना चाहिए था। ये तो बहुत छोटा है। हम आ गए, दरवाजा खोलिए। काकिनो समायो, क्या हुआ? तुम्हें देखकर कितना अच्छा लग रहा है। चामा, आज तुम स्कूल बीच में छोड़कर आ गए। हम यहाँ पर तुम्हारा होमवर्क देने आए थे। अब आए हो तो खाना खा कर जाओ। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, अगर तुम आ ही गए हो तो मेरा थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। वो क्या है ना, मैं पापा से बात नहीं कर रहा हूँ ना। क्या बात नहीं कर रहे? ये लो काकिनो, तुम्हारे लिए चाय। समायो, ये लो तुम दूध पियो। काकिनो, तुम्हारा स्कूल कैसा था? आज स्कूल में क्या क्या किया तुमने? समायो, कल का मौसम कैसा होने वाला है बताओ ना। समायो, क्या तुम सुबह घर से नहा कर निकली थी? काकिनो, क्या तुमने सुबह सुबह पॉटी की? ऐसा क्या हुआ है कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे? आप दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, है ना? मैं तो चामा से बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो ही नहीं कर रहा है। चामा, क्या तुम अब भी इनसे नाराज हो? हाँ, मैं नाराज हूँ। मैंने तुमसे टेस्ट पेपर के लिए माफ़ी मांग ली थी ना, मैं परेशान था। वो बात नहीं है पापा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरा गुस्सा कम क्यों नहीं हो रहा है। मेरी आँखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे पापा। रो मत, क्या हुआ चामा? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ पी नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ गया, वो चामा किसकी वजह से नाराज है? इसकी वजह से। दही की वजह से। ओबो चामा सुबह से ही अजीब महसूस कर रहा है, क्योंकि वो अपने पापा को दही वाला गुड मॉर्निंग नहीं कह पाया। क्या क्या कहा? दिमाग के ड्रॉअर खुल गए। चामा! पापा, मेरे पापा! अभी गुड मॉर्निंग नहीं हुआ है पापा। गुड मॉर्निंग। चामा मुझे माफ कर दो। इन दोनों की कट्टी बट्टी चलती रहती है। हाँ बिल्कुल सही कहा,
पर दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये तो है। पीना है तो खुद खरीद लो। बात ये है कि क्या तुमने इतनी जल्दी अपनी पॉकेट मनी खत्म कर दी? तुम्हें हर महीने पॉकेट मनी में 15 लाख मिलते हैं और तुमने वो भी खत्म कर दिए? ज्यादा हो गया। काकी नो, मुझे भी थोड़ा जूस दे दो ना पीने। फुकुरो कोजी, क्या तुमने भी अपनी पॉकेट मनी खत्म कर दी? अब खर्चे होते हैं तो खत्म तो होंगे ही ना। मैं किसी से भीख नहीं मांगता, लेकिन काकिनो मुझे खाली कैन दे दो, मैं उसमें पानी भरूंगा तो मेरे लिए उसमें जूस का टेस्ट आ जाएगा। तुमने अपनी शक्ल देखी है आईने में? तुमसे तो बहुत अच्छी है। तुम पूरे के पूरे लंगूर लगते हो। मैं नहीं, तुम लंगूर हो। पापा का वॉलेट तो यही रखा हुआ है। पापा, मैं जरा सुसु करके आता हूँ। चामा, टॉयलेट होने के बाद हाथ जरूर धोना। ठीक है पापा। काका, चलो सोने का टाइम हो गया है। जी मालिक, आज का एपिसोड बड़ा मजेदार था। शह, उठाने में लेट हो गया। तुम जो चाहे वो पी सकते हो। मुझे जूस चाहिए। मुझे पीना है, पियो। वहाँ क्या हो रहा है? मैं तुम लोगों को ट्रीट दे रहा हूँ, जितना पीना है पियो। जी, मुझे भी कुछ पिला दो, जिंदगी में रंग भर दो। हाँ हाँ, पी लो, तुम भी क्या याद रखोगे। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रको जी, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं दोस्तों। अरे तुमने तो कहा था कि तुमने अपनी सारी पॉकेट मनी खत्म कर दी। हाँ, पर मैंने अपने पापा को उल्लू बना दिया। मैंने उनसे कहा कि मुझे स्कूल का लंच फीस भरना है और उनसे 10,000 मांग लिए। उन्हीं पैसों से ऐश कर रहा हूँ। क्या, ये तो बहुत बुरी बात है। तो तुमने स्कूल लंच की फीस नहीं भरी? वो तो मेरे मैनेजर ने पहले ही भर दी। मैं फ्री का लंच नहीं खाता। फ्री का लंच कौन खाता है यहाँ? मैं खाता हूँ, मुझे गर्व है गरीब होने पर। अच्छा, ये सब भी होता है? मुझे तो पता ही नहीं था। ये छोटी मोटी फीस तो काका भरते हैं। हाँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। मेरे प्यारे पापा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। ओह, मेरे लाडले को मुझसे जरूरी बात करनी है। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे स्कूल की लंच फीस चाहिए। वो क्या है कि टीचर ने कहा है कल तक भरनी ही पड़ेगी। ओह अच्छा अच्छा, ये बात है। लेकिन तुम्हारे स्कूल के लंच की फीस कितनी होती है? वो लंच की फीस, वो 5 लाख होती है। लंच की फीस? फीस 5 लाख है? तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ पापा, टीचर ने बताया। ठीक है, तुम्हारे काका को बोलता हूँ, अभी भर दे। नहीं, काका को बिल्कुल मत बताइए, उन्हें तकलीफ मत दीजिए, उन्हें परेशान मत कीजिए। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैंने सोच लिया है मैं आपसे सारे काम खुद करूँगा। क्या चामा, तुम्हारी बात सुनकर मेरा सीना गर्व से फूल गया है। ऐसा बेटा सभी को मिले। तुम्हारी सारी पॉकेट मनी खत्म हो गई है। मैंने फुकरो कोजी वाला आइडिया लगाया और पापा से बहुत सारे पैसे ले लिए। पापा, मेरे प्यारे पापा, वो क्या है कि कल पीटीए की फीस भरनी है तो। ओ अच्छा, ठीक है ठीक है। पीटीए की फीस कितनी है बेटा? वो टीचर ने कहा कि पीटीए की फीस है 7 लाख।
ओ ठीक है ले लो। ओ वो चामा भी आ गया। देखो दोस्तों मैं क्या लेकर आया। क्या लेकर आया है? मैंने सेकंड हैंड सबमरीन खरीदी है, पता है पूरे 7 लाख की है। मुझे ये कछुए वाला बैच किसी बड़ी चीज पर लगाना था, तो मैंने एक सबमरीन खरीद ली। फिर उसके लिए पूरी सबमरीन खरीद ली। ये सब क्या बकवास है? पापा सुनिए ना, मुझे बुक्स के पैसे भरने हैं। ओह कितने भरने हैं? ज्यादा नहीं, बस 8 लाख। ठीक है मैं कुछ करता हूँ। रुकिए मालिक। बोलिए काका। मालिक चामा बाबा आखिर आपसे इतनी बड़ी रकम क्यों मांग रहे हैं? काका चामा अपने स्कूल की फीस के लिए पैसे मांग रहा है। आजकल फीस ही इतनी हो गई है, किताबों के लिए 8 लाख, लंच के लिए 5 लाख, मेरी तो पॉकेट ही खाली हो गई। लंच की फीस 5 लाख कब से हो गई? मालिक बुरा मत मानिए, पर इनके स्कूल की 1 महीने की लंच की फीस सिर्फ 10,000 है और इस साल हमने सारे पैसे साल की शुरुआत में ही भर दिए हैं। क्या? रुक जाओ चामा, इतने दिनों से तुम पापा को उल्लू बना रहे थे। पापा, आप मुझ पर चिल्ला रहे। रुको तो जरा। रुक जाइए मालिक, वो आपको इसलिए उल्लू बना सके क्योंकि आप उल्लू बने। क्या कहा? आप ये कह रहे हो कि मेरी गलती है? हाँ मालिक। फिर तो उसे इस बात की बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। काका सुनिए जरा। जी मालिक कहिए। आप मुझे थोड़ी सी पॉकेट मनी दे सकते हैं? बस थोड़ी सी और। मालिक इस महीने आप 2 करोड़ निकाल चुके हैं और ये 1 महीने के लिए बहुत है। बस थोड़े से और निकाल दीजिए काका, मेरे लिए 8 करोड़ काफी होंगे। मैं ये तो नहीं कह सकता मालिक, लेकिन आप ही ने मुझसे कहा था कि आपको फिजूल खर्चा करने से मैं रोकूं। दे दो ना प्लीज। मैं उनसे बात नहीं करूंगा, मेरे पापा एक नंबर के कंजूस। पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमसे माफी मांगने मेरे लाल, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? हमें काका से पैसों की मांग करनी चाहिए। पैसों की मांग? हाँ मेरा बच्चा, हम दोनों मिलकर पैसे की मांग करेंगे तो काका को हमारी पॉकेट मनी बढ़ानी पड़ेगी। हमें बस उनके आगे थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ेगा। अच्छा मैं समझ गया पापा, आपको भी मेरी तरह हर महीने एक्स्ट्रा पॉकेट मनी चाहिए होती है ना? चाहिए तो, पर तुम्हारे जितनी नहीं। ये कुछ साफ नहीं। काका काका देखिए बाहर क्या हो रहा है। क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? चामा बाबा और मालिक दोनों कछुए वाली टंकी पर चढ़ गए हैं। काका कछुए वाली टंकी पर? वहाँ देखिए ऊपर। मालिक चामा बाबा पॉकेट मनी और बढ़ाई जाए। मालिक बचपना मत कीजिए, टंकी से नीचे आ जाइए। काका हमारी पॉकेट मनी बढ़ा दीजिए वरना ना मैं नीचे आऊँगा और ना ही चामा आएगा। मेरा बच्चा सही कह रहा है। छोड़ दीजिए कंजूसी। चामा बिल्कुल सही कह रहे हो। कंजूस काका, कंजूस काका। चामा बोलते रहो, रुक क्यों गए? मालिक बचपना छोड़ दीजिए और नीचे आ जाइए, बादल जम रहे हैं, बिजली कभी भी कड़क सकती है। ओ वो चामा। चामा। हम सारी रात यहीं रहेंगे। सुनिए काका, मुझे पूरी दुनिया घूमनी है, हर जगह से शॉपिंग करके आना है। मेरा प्लेन और महल खरीदना आपको फिजूल खर्ची लगता है? मुझे भी अपना घर खरीदना है। घर खरीद लेना, पहले नीचे आओ। चामा जिद मत करो, नीचे आओ। अगर आपकी यही जिद है तो आपकी पॉकेट मनी में बढ़ा दूंगा, पर पहले आप चामा बाबा को नीचे लाइए। काका मान गए। बहुत ही भोले। चलो बेटा नीचे चलते हैं, सीढ़ी नजर नहीं आ रही। मैंने गुस्से में लात मार के सीढ़ी नीचे गिरा दी थी। अब क्या करें? चामा हमें उड़कर जाना होगा। सही वाले चामा बाबा। चलो चामा। चामा
कमाल हो गया, चलो यहाँ से चले। आप दोनों बच गए मालिक, शुक्र है कि आप दोनों को कुछ नहीं हुआ, शुक्र है आप दोनों को कोई चोट भी नहीं आई। काका मेरे बचपने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। काका हमारी पॉकेट मनी बढ़ाने के लिए शुक्रिया। ये आप क्या कह रहे हैं चामा बाबा? अरे अभी कुछ देर पहले ही आपने हमसे वादा किया था। हाँ, वादा किया था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। ऐसा मत कहिए काका। मैं हर किसी से कैसे उल्लू बन जाता हूँ।